वापस आ गई है। और क्योंकि चूहिया को ये चीज़ पता है कि मेमना का और कपी का पहले अफेयर रह चुका है, कपी बहुत लाइक करता था मेमना को, और अब तो चूहिया और कपी की शादी हो चुकी है। तो अब जब, हालांकि पहले चूहिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेमना के आने से, लेकिन कपी का इंटरेस्ट आज भी थोड़ा सा चूहिया को ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है उसमें और चूहिया को इग्नोर कर रहा है। तो ये चीज़ जो है चूहिया को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। और अब जैसे नाश्ता अभी हमारा डाइनिंग टेबल का सीन चल रहा है कि इसने, मेमना ने जो है ये बनाया डोसा, तो बहुत खुश हो जाता है। और जब मैंने हलवा बनाया, वो हलवा जब आता है तो कहता मेरा पेट भर गया, और डोसा खाने के टाइम पे बोलता है कि अगर मुझे फेवरेट चीज़ मिल जाए और कोई चीज़ अच्छी लगे तो मैं इतना खा सकता हूँ कि मेरा पेट भी फटेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जब मैंने हलवा बनाया, जबकि कपी को चूहिया के हाथ का हलवा बहुत पसंद है, तो अब बोल रहा है कि मैं खाऊँगा नहीं। तो इस पर जो है चूहिया को गुस्सा आ गया, और चूहिया ने कपी का कमेंट ही उसको वापस रिटर्न किया है कि क्यों, तुम तो कह रहे थे कि तुमको बहुत पसंद है, जो चीज़ बहुत पसंद होती है उसे तुम बहुत खाते हो, चाहे तुम्हारा पेट भी ना फट जाए। तो ये चल रहा है। और मेमना क्योंकि रॉकस्टार बन चुकी है, तो रॉकस्टार की वजह से गधा भैया को भी भूत चढ़ गया, वो भी रॉकस्टार बन गया। मतलब थोड़ी जेलिसी सी फीलिंग है। हाँ, बड़ी जेलिसी सी फीलिंग हो रही है कि मतलब ठीक है, था अफेयर, अब आज फ्रेंड्स हो तो फ्रेंड्स की तरह रहो, इतना क्या, मतलब ऑफिस से आ रहा है तो चूहिया को इग्नोर कर रहा है हर बात पे, इग्नोरेंस, इतना इग्नोरेंस चूहिया को पसंद नहीं है, डरते डरते। हाँ, ऐसा है। आगे क्या क्या देखने मिलेगा? आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन्स आएंगे, हालांकि हमें भी पता नहीं होता पहले से, हमें डेली जो सीन्स आते हैं, हम सीन्स पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम शूट करते हैं। तो पूरी स्टोरी तो मुझे भी नहीं पता है, बट हाँ, एक वन लाइन जो सुनी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, ऐसे ही कुछ। तो आप देखिए, आई होप आपको अच्छी लगेगी हमारी ये स्टोरी, और देखिए प्लीज़ हमारा शो। क्या दिवाली, क्योंकि हमें दिवाली एक दिन की छुट्टी होती है, अदरवाइज हम शूट ही करते रहते हैं। दिवाली के दिन वही सुबह उठ के अपने घर की साफ़ सफाई, और घर पे स्वीट्स वगैरह बनाऊंगी मैं इस बार। मैं आटे के लड्डू बनाती हूँ, मुझे बड़े मतलब अच्छा बना लेती हूँ मैं, आटे के लड्डू बनाऊंगी, और गुजिया बनती हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, फिर शाम को लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, यही होता है, पूजा वूजा होती है, घर को काफ़ी डेकोरेट करती हूँ, लाइटिंग वाइटिंग लगाती हूँ, अच्छा लगता है। रंगोली बनाऊँगी, अच्छी तो नहीं बना पाती हूँ, पर जैसी आती है वैसे ही बनाऊँगी शगुन के लिए, ऐसा है। अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहिए? व्यूअर्स को मैं अपने दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, सबके जितने भी दुख कष्ट हैं वो सब हर ले जाएं लक्ष्मी गणेश जी, और ढेर सारी सुख समृद्धि दें आप सबको। और ये रोशनी का, खुशियों का त्यौहार है, खूब मीठा बनाएं, खूब अच्छे से खाएं, खिलाएं, खुश रहें। पटाखों की जगह मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितना हो सके दिए जलाएं, क्योंकि पटाखों से हमारे जो स्ट्रीट पे जितने भी वो होते हैं, जानवर होते हैं, जो भी हैं, बेचारे वो बहुत डरते हैं और वो इंजर्ड हो जाते हैं उसमें। और कुछ बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, तो वो पटाखा पता नहीं कहाँ जाके किसका, किसकी गृहस्थी में कुछ भी नुकसान पहुँचा सकता है। अपने लिए नहीं, कम से कम दूसरों के बारे में सोचें। हैप्पी और सेफ दिवाली बनाएं। हैप्पी दिवाली।